ये रोड सारा लेके गया बारिश यहाँ पर। हाँ इतना बारिश आ गया भाई, इतना बर क्या है इधर, ये रोड नहीं था, ये सारा लेके गया, इतना कड़ा हो गया जैसा ये, फिर इसमें मिट्टी डाला। तकरीबन कितना किलोमीटर है कोटा से? 16 किलोमीटर होगा ना, 16 या 18? कौन सा जगह? अन्ना लेक, वो एक 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर कोटा से जाना 40 किलोमीटर। हालांकि उधर का मकामी लोग जो है ना, जो ज़्यादा उस बूढ़ा आदमी से मैंने पूछा है, जो उधर मतलब 80 साल 75 साल का उम्र का है ना, वो उससे मैंने पूछा, वो बताया बिल्कुल ये 4000 जिस पे अल्लाह लिखा हुआ, वो भी हाँ। तो खर्चा करता है फिर आपका मर्जी, हम तो लेके जाएं बस, ठीक है। इधर तस्वीर अन्ना लेक, अब इधर आप आधा घंटा घूमिएगा, बस अंधेरा हुआ है। हाँ अंधेरा होगा, हाँ बस फिर तो फजूल हो गया। इधर अन्ना वड़क पहुंच गए, अन्ना लेक। यहाँ के ड्राइवरों के साथ बड़ा गंदा एक्सपीरियंस रहा है दोनों दफ़ा। कल जो ड्राइवर हुआ, 2 दिन की बात हुई, उसने कल धोखा दे दिया, आज सुबह वो आया नहीं। फिर आज हमने नया ड्राइवर किया तो उससे ज़्यादा की, यहाँ की बात की, वो ज़्यादा की बात यहाँ मुकर के आने के लिए अब तीसरा ड्राइवर किया है। पता नहीं कैसे लोग यहाँ मुकर जाते हैं। ये इस वक्त मगरिब का टाइम होने वाला है, ये व्यू है, लेट हो गया थोड़ा सा, गाड़ी के चक्कर में लेट हुए हैं। कोशिश करो अपनी गाड़ी में, हाँ तो जलील हो जाएगा। अपनी गाड़ी में आया बंदा, यहाँ कोई यहाँ जो भी आया अपनी गाड़ी में आया भाई, वाकई में यहाँ आके रेंट की गाड़ी करना फजूल है। या क्या चीज़ें लेके आए अपनी गाड़ी रेंट की लाए तो? ये व्यू है भाई अन्ना लेक का, ये कश्तियाँ टूट चुकी हैं शायद, इसलिए यहाँ पड़ी हुई हैं, रिपेयर हुई नहीं है। आज कितना रश है इतवार का, लोकल शायद ज़्यादा है, मैं टूरिस्ट से ज़्यादा, पिकनिक पॉइंट है कोयटा का करीब कतरी, गाड़ियों की पार्किंग भी फुल लगी हुई थी, पानी भी काफ़ी है, लास्ट टाइम तो पानी नहीं था, इस टाइम काफ़ी पानी है। कश्ती भाई पिछली भी चल रही है, और उस तरफ चलने कश्ती की तरफ चलते हैं। यहाँ कश्ती, ये देखें बोट, आप बैठ सकते हैं, वो कश्तियाँ हैं, ये डबल वाली है, 2 बंद वाली, काफ़ी पानी है इस बार तो। ये देखिए पहाड़ों पे बर्फ, कोटा के पहाड़ों पे भी बर्फ शुरू अभी, आज ये आज ही बर्फ पड़ी है बता रहे हैं, अब यहाँ पड़ेगी बर्फ, सीजन आ गया इनका। ऊपर से आगे व्यू उमर इधर, यहाँ देख, ये क्या फर्श पक्का कर दिया उन्होंने, बस रास्ता बना दिया पानी, ये इस तरह का। दूसरी तरफ इसके जो दूसरा हिस्सा है वो सामने, इस तरफ चलते हैं, देखें रास्ता खुला नहीं, लास्ट टाइम तो खुला हुआ था, पता नहीं खुला या नहीं खुला। कैंटीन, यहाँ पर आपने चाय वाय जो भी कुछ लेना है ले सकते हैं। पूरा दिन हमें ज़्यादा में रुकना चाहिए था उमर, ज़्यादा रुकते आज, हाँ पूरा दिन
बारिश होती थी, फायदा तो ज़्यादा होता था, बर्फ पड़ती। ये ऊपर से व्यू, मगरिब हो गई है, अंधेरा हो गया है, बस जल्दी जल्दी इसको एक्सप्लोर करें और निकलें क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। यहाँ लाइट का इंतज़ाम भी नहीं है, कोई बंदोबस्त नहीं है लाइट का। ऑक्सीजन कम है शायद, इसलिए सांस फूल रहा है, वो सांस फूल रहा है। तो आगे बादल, आज पूरे दिन बादल इस तरह रहे और बारिश मुसलसल होती रही है, कम तेज़ स्लो, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती थी फिर शुरू हो जाती थी बारिश। काफ़ी अच्छा वेदर था आज, पूरा दिन सही दिन हमने चूज़ किया आने के लिए यहाँ पर। ये मेरे ख्याल एक दीवार से डैम बनाया हुआ शायद इन्होंने इस टाइप का, कुछ पानी को रोकने के लिए। बारिश फिर तेज़ हो गई, एक तो सर्दी ऊपर से बारिश तेज़। ये देखें इस तरह की दीवार है, ये अंदर क्या चीज़ है, ये के कारना में है भाई, ये क्या करें, गिरेंगे नहीं, वो सीढ़ियाँ बनी हुई लोहे की, ये डैम वाले होंगे काम, इनके काम देखें आप, चेक करें। ये व्यू, वहाँ भी लोग हैं मेरे ख्याल से, आप आवाज़ें आ रही हैं गानों की। आए ऊपर चलते हैं, देखते हैं ऊपर जाके, ये ऊपर से आ गए। बारिश हो गई है बहुत तेज़, अब इससे पहले और ज़्यादा तेज़ हो गीले हो हम लोग और बीमार पड़े, हमें जाना चाहिए वापसी के लिए। और हम जा रहे हैं वापसी क्योंकि मगरिब भी हो गई है, अंधेरा भी काफ़ी हो गया है और बारिश भी तेज़ हो गई है इस वक्त, और कुछ दिख भी नहीं रहा है, यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है देखने का। ये देखिए ये रेस्टोरेंट, कैमरा गंदा हो गया पानी से। सब चुप चले गए बारिश से, हाँ पूरा सन्नाटा हो गया यहाँ पर भी। चलें अपनी गाड़ी तरफ चलते हैं, फिर गाड़ी पर बैठते हैं। बारिश की वजह से पूरा प्रोग्राम खिड़खिड़ा हो गया है, मज़ा और इतना सा रुक गया बारिश। आरवे का टाइम है निकलने का जबरन रूट से, तो वहाँ तक पहुँचेंगे और इंशाल्लाह सुबह 6 बजे कराची ज़िंदगी रही तो अपनी मुलाकात करेंगे आपसे। चले फिर आपको शॉर्ट टूर था लेकिन लगा शुक्र अच्छा रहा, हर चीज़ से बेहतर रही, फिर कभी शॉर्ट टूर पर निकलेंगे। ये देखें लोग सब जा रहे हैं क्योंकि बारिश तेज हो रही है, अब सब लोग लगाना है यहाँ से जाने के लिए। चेक करें, चले फिर आगे आपसे बस स्टॉप पे जाके चल रहा है।